टॉपिक क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि डोमिनेंस तक तो बात ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट का क्या चक्कर है ना? सोच के लग रहा होगा यहाँ पे कि डोमिनेंस तक तो ठीक है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट बोलने का क्या मतलब है, ये चीज है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या है कि डोमिनेंस है और इनकम्प्लीट हमने साथ में लगा दिया। अब जाके यहाँ पे ऐसा होगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। अगर हम लोग क्रोमोसोम्स का केस लेते हैं, किसका लेते हैं, इधर ही बनाती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम का केस लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो बात मैंने आपको सिखाई है वो यही सिखाया है कि अगर एक जीन का एक अलील अगर यहाँ बैठा है, ठीक है, और एक अलील अगर यहाँ बैठा है, तो अगर एक डोमिनेंट अलील है तो वो उस दूसरे वाले को दबा देगा, राइट, ठीक है। यही सिखाई बात मैंने अभी तक आप लोगों को। यहाँ पे जाके क्या होने वाला है, अभी के केस में और अभी के कंडीशन में क्या होने वाला है कि यहाँ पे अगर एक कैपिटल आर है और यहाँ पे एक क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे इस फ्लावर को रेड होना चाहिए, लेकिन इंस्टीड ऑफ रेड ये किस कलर का हो जाता है? अगर ये दोनों एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो रेड की बजाय फ्लावर जो है वो पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने, पहले मैं लिख दूं यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक बहुत सिंपल सी छोटी सी बात आप लोग नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ ये इवन की स्टेटमेंट भी खुद से लिखना है आपको, अभी कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा। मैं यहाँ पे इसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, इंटरमीडिएट का मतलब बीच बताइए। में हाँ, बीच का। एंड बीच इंटर में हाँ एंड इंटरमीडिएट कैरेक्टर, इज ऑब्जर्व। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, डायरेक्ट 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का। इज ऑब्जर्व मतलब हम लोगों को एक बीच का कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आप ड्राइंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ड्राइंग करते करते क्या हुआ, आपने यहाँ पे मतलब ऐसी मैं ब्लैक से बना रही हूँ, आप लोग समझिए इसको, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। सपोज कीजिए कि रेड कलर है, ठीक है, और यहाँ व्हाइट तो पूरा बैकग्राउंड ही है खैर यहाँ पे, और यहाँ पे व्हाइट कलर है। तो आपने देखा होगा मोस्टली पहले, अब तो आता है कलर वाले बॉक्स में पिंक कलर अलग से बना हुआ। तो आप लोगों को जब वहां पे पिंक कलर बनाना होता है, क्या होना होता है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे पिंक कलर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करते हैं और थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स करते हैं, यही करते हैं ना, बचपन से आज तक सबने कई बार किया होगा तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी वजह से ये कैरेक्टर भी क्या देखने को मिलेगा, आपको पिंक कलर देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी ये तो कोई भी बच्चा लिख सकता है, आपको सिर्फ याद रखना है एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज ऑब्जर्व। नीट का क्वेश्चन है, ढूंढिए, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डोमिनेंस एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज ऑब्जर्व, ठीक है, ऐसा दिया रहता है, लिखा रहेगा कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वहां पे बच्चों को किस पे टिक करना होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आया सबको, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स पे चलते हैं कि जब ऐसा है तो ऑब्वियस है कि इसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होगा, जरूर देखा। अच्छा, हम लोग किसी चीज की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, किसी चीज के अंदर देखा गया होगा तभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या है,
आपको दो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, दोनों आपको पता है, आप दोनों को पहचानते हैं, बट वही है कि इनका नाम ऐसा सुनने में हॉरिबल लगता है कि आपको, या कई बार बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से ये नेम्स दे दिए हैं। जब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में निकल के सामने आता है, एक है स्नैपड्रैगन, ये वो मोबाइल वाला नहीं है, एक क्या है स्नैपड्रैगन। बुके बनाने में इस फ्लावर का बहुत यूज किया जाता है, ठीक है, और एक क्या है मिराबिलिस, एक है यहाँ पे, पांच बार जहां बैठे हैं वहीं पे बोलिए इसको, मिराबिलिस जलापा, JALAPA, मिराबिलिस जलापा, दोनों जानते हैं आप लोग, फोटोज में दिखा देती हूँ अभी। एक है आपका यहाँ पे मिराबिलिस जलापा, साइंटिफिक नेम है तो इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। स्नैपड्रैगन देखिए, सब कुछ पता है आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ नया मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है इसको, पहचानते हैं आप। ये अच्छा, स्नैपड्रैगन में तो कुछ और ही आ जाएगा, फ्लावर लिख देती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं स्नैपड्रैगन के नेम से, आपको भी पता है ऑलरेडी। ये पहचानते हैं आप लोग, क्लियर है बात, समझ आ रही है मेरी, ये देखिए है ना, ये सब स्नैपड्रैगन है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है इसका, देखिए पिंक भी दिख रहा है इसमें, है ना, इसमें क्या है पिंक भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, yes. क्लियर है, पहचानते हैं, yes. मैंने पहले बोला आप लोग पहचानते हैं, बट आपको पता नहीं था कि, हाँ, कि इतने ब्यूटीफुल फ्लावर का इतना हॉरिबल सा नेम है, ठीक है। ये बुके जब बनता है ना तो मेरे ख्याल से ये वाले फ्लावर सबसे ज्यादा डाले जाते हैं उसमें, रीजन ये है मल्टी कलर आते हैं ना, ये बहुत सारे कलर आते हैं इसके, ठीक है। yes. तो इसमें क्या है, आप जब देखना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस देखने को मिलता है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम एनसीईआरटी में देखिए, स्नैपड्रैगन के ब्रैकेट में एंटीरिनियम लिखा है, यहाँ पे देखिए स्नैपड्रैगन के विद इन ब्रैकेट आपको वहां पे क्या किया होगा, उसने एंटीरिनियम लिखा होगा, एंटीरिनियम की बहुत सारी वराइटी आती है, जैसे यहाँ पे एंटीरिनियम मेजस लिखा, बहुत सारी वराइटी है, तो ऑब्वियस सबका साइंटिफिक नेम क्या होगा, अलग अलग होगा, उसमें तो खैर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आप लोगों को। तो ये स्नैपड्रैगन है, इसे मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया ताकि याद रहे हमेशा के लिए, और कभी एग्जाम टाइम में भी कोई दिक्कत ना आए, होता नहीं कि एक बार हमने जिस चीज को देख लिया तो वो हमारा लिखा हुआ, ये भी बहुत कॉमन सा क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको भी मैं शो कर दूंगी, पहले इसका केस मैं बना देती हूँ। अब ये बहुत आसान है, यहाँ पे क्या होना है सो मैं समझाती हूँ, देखिए पहले पेरेंट्स के तौर पे, पहले जब हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स लिखते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के तौर पे यहाँ पे क्या हुआ, रेड फ्लावर लिया गया, क्या किया गया,
रेड फ्लावर को लिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब रेड फ्लावर की क्रॉसिंग जो है वो व्हाइट फ्लावर के साथ कराएगी, किसके साथ? व्हाइट फ्लावर के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो आसान है, बहुत स्मूथली है सब कुछ, बिना देखे हुए मैं आपको दूंगी टाइम, अभी अभी कोई भी नोट नहीं करेगा। रेड फ्लावर है, दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहाँ तो प्योर इम्प्योर की कोई बात ही नहीं है, जैसे इम्प्योर कीजिएगा बेचारा पिंक हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग F1 बना रहे हैं, व्हाइट फ्लावर है, दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। फिर क्या करना है हम लोगों को, एज इट इज जैसे अभी तक बनाते आए हैं, इसका पनेट स्क्वायर बना देना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, जब आप यहाँ बना देती हूँ या फिर यहाँ पे, तो ये वाला फोटो शिफ्ट कर दूंगी, यहीं पे बना देती हूँ। चलिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। फिर आपने लिया है स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो खैर अभी तक रट गया होगा आपको, एक साइड हम लोग यहाँ पे मेल को ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरे साइड हम लोग यहाँ पे फीमेल को बना रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट सबको पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बिल्कुल कॉपी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस याद कीजिए, मेंडल वाला जो केस है, जो F1 बना था वहां पे क्या हुआ था, जो F1 बना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके जब आपने बनाया है, मतलब जब आपने ये रेड फ्लावर लिया और आपने क्या किया, ये व्हाइट फ्लावर लिया, तो इसको लेने के बाद जब आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो क्या बनाया है आपने, F1 बनाया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, एग्जाम में आपको आदत डालनी है, यहाँ पे आपने क्या किया है, पिंक लिखा है, ठीक है। रेड होना चाहिए था बट रेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पिंक ये भी क्या हो जाएगा, पिंक ये भी क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में हमेशा क्या करते हैं, मैंने आपको बोला है किस चीज की आदत लगानी है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो हमेशा लिखने की आदत डालनी है, चाहे उसको आपको लिखना है या नहीं लिखना है। मतलब जैसे होता है ना, कई बच्चे बोलते हैं अच्छा क्या लिखना है, ये तो सब ऑल जो है वो कैसे पिंक है, लेकिन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। एक बात मुझे और याद आई, मैंने आपको ना क्लास वर्क सेंड करने को बोला था, मैं अभी देख लेती हूँ कौन से बच्चे ने करा है वो। मेरे ख्याल से काफी बच्चों की वही मिस्टेक, तो मैं नहीं बोल सकती, ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं इसको। मैंने आपको बोला कि आप लोग क्लास वर्क अपना सेंड कीजिए, ठीक है। क्लास वर्क आपने सेंड तो ठीक करा है, किसका है ये बताती हूँ मैं, एक मिनट, आयुषी का है शायद। मैं जो क्वेश्चन बना रही थी तो उसमें मैंने जगह जगह पे गिवेन एज लिखा है, आपने वो गिवेन एज स्किप किया हुआ, लिखा ही नहीं आपने उसको, ठीक है। Yes, मैम, वो पहले बना लेते थे। नहीं, वो क्यों स्किप नहीं किया, मैं भी तो शॉर्टकट मार के निकल सकती हूँ। देखिए, मुझे आपको ना, मतलब और भी दो तीन बच्चों का मैंने देखा है, अभी मुझे सामने जो दिखा मैंने बस वही बोला है, ठीक है। देखिए, आपको एग्जामिनेशन पर्पस से ना खुद को अभी से तैयार करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा हर बैच के बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि आप एग्जाम में बना रहे हैं, ठीक है। वो लिखना पड़ता है, फॉर्मेट है, कैसे मैथ्स में लिखते हैं ना आप लोग, वो फॉर्मेट है। दोबारा उतार लिए हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ जेनोटिपिक रेशियो, और फिर मतलब अभी मैंने यहाँ कहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग को फॉर्मेट में डालना होता है उसको, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो, एक ही साथ एक जैसा ही है, पता ही आपको, ये रहा फेनोटिपिक रेशियो और ये रहा जेनोटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो में तो हम लोग छुट्टी कर लेंगे ऑल पिंक लिख के, ठीक है। जेनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पे जो केसेस हैं आपके पास, कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो, कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो, कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। वन 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 वन, काफी सालों पहले एक अभिषेक नाम का बच्चा था मेरी क्लास में, मुझे याद है आज तक। मैं उसको, मतलब ये जेनेटिक्स वाला चैप्टर पहले तो डरता था, जब मैंने पढ़ाया तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। तो जब मैं कोई केस देती थी ना ब्लड ग्रुप का, तो वो फटाफट सबसे पहले आंसर करता था, उसकी कॉपी जाके जब देखती थी कुछ लिखा ही नहीं था उसने,
कहता था मैडम मैंने ना अपने ब्रेन में प्रिंट कर लिया, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला ब्रेन वाले ही प्रिंट से तुमको एग्जाम में भी नंबर मिल जाएगा। मतलब उस बच्चे से लिखवाना बहुत टफ टास्क था, सामने था तो फिर भी हो जाता था, ऑनलाइन है तो यहाँ पे थोड़ी जो मेहनत है वो बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी बढ़ गई है। यहाँ पे मैं आपको देख नहीं सकती बट आपको अपनी ऑनेस्टी खुद ही यहाँ पे दिखानी। चलिए ये पूरा पेज 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, मैं उतने देर से समझा ही रही थी। हाँ सॉरी ऑल्ट ऑल वो पिछला वाला याद आ गया ना मुझे, तो यहाँ पे ऑल पिंक कर दीजिए इसको, ठीक है। ये केस क्या हो जाएगा, ऑल पिंक हो जाएगा। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए इसको बिना देखे हुए। मैं पेज ही बदल देती हूँ, रुकिए ना। चलिए ताकि मुझे पता चले कि कोई आप में से ये आके मिला है। चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए इसको, कोशिश करेंगे बिना देखे हुए बनाने की, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया, अब ये बन जाए तो मुझे रिप्लाई कीजिए उधर से। चलिए मैं अभी बेकार टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जब तक आप लोग बना रहे हैं 1 मिनट में, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इसके आगे वाले पेज पे एक फोटो पेस्ट कर देती हूँ। बिल्कुल एज इट इज कॉपी करेंगे उसको। नहीं अब तो शिफ्ट हो रहा है। देखिए इस बेचारे ने ऑलरेडी मिराबिलिस जलापा लिख दिया यहाँ पे। ये पहचान रहे हैं आप लोग, पहचानते हैं इसको, है ना। ये देखिए ये तो घर के गमले में लगा होता है सबके। अब ये देखिए बेचारा अनोखा ही फ्लावर है, ये दोनों कलर शो कर रहा है इसमें। बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। इतना छोटा सा इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, नाम रखा हुआ है इसका मिराबिलिस जलापा। ये पहचानते हैं आप लोग, मल्टी कलर में दिख रहा है यहाँ पर। बन जाए तो मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट आगे बन गया मैं। ठीक है वेरी गुड। ये F1 है, हाँ ये क्या है F1 है, क्या ये F1 है, फर्स्ट जनरेशन बनाया है आप लोगों ने, जो अभी 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 ड्रॉ किया है आपने, ये क्या किया है आप लोगों ने, फर्स्ट जनरेशन बनाया है। अब क्या बनाएंगे हम लोग, F2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, F2 ड्रॉ करेंगे। चलिए ये ठीक है, चलिए आगे मैं F2 इसका ड्रॉ कर देती हूँ इसका। एक ये पेज तो रहने ही दूंगी इसको मैं, नहीं नीचे इसका नाम लिख दूंगी यहाँ पे, ये यहाँ चला गया। ये ठीक है, ये क्या है, ये वाला क्या है, लेफ्ट साइड वाला क्या है, ये बोलिए फटाफट उधर से। स्नैपड्रैगन ये जो मैंने लिखा था ये F1 बनाया था, अब हम लोग क्या करते हैं F2 बना लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए, अब जो प्रीवियस पेज पे आपने देखा यहाँ पे ऑल कैसे थे, पिंक थे, अब क्या होगा, थोड़ा सा मेंडल वाला केस याद कीजिए, सेल्फिंग कराएंगे हम लोग। क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, पता है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फिंग कराने का काम कर रहे हैं। अब ये पेज जो है ये डेडिकेटेड टू सेल्फिंग ऑफ किसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स या सेल्फिंग बिटवीन कर देती हूँ, सेल्फिंग और कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये हो जाएगा सेल्फिंग बिटवीन
ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 generation. चलिए अब यहाँ पे प्रीवियस पेज पे यहां से बना रही हूँ, ये नहीं सोचना है कि किधर से हवा में आ गया है, F1 ये बना हुआ है यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे ये भी वैसा ही है, 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 सब तो एक ही जैसे है ना, किसी भी दो को उठाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अब हम पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग है उसी के बीच में सेल्फिंग करा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब ये पेरेंट्स की तरह रोल प्ले करेंगे, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, ठीक है। इतनी बार बोल रही हूँ आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो क्रॉसिंग का काम है वो कराया है किस किस के बीच में, कभी कभी तो हैंग ही करता है और कभी कभी कुछ ज्यादा ही फास्ट काम करता है। दो बार क्लिक कर दिया मैंने तो दो पेज आगे चला गया, वो पिछले डे काम नहीं कर रहा था ना ठीक से, आज कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रॉसिंग हम लोग करा रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर से। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस माना जाता है, यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स की तरह ले रहे हैं इनको। ऊपर मैंने लिख दिया ऑलरेडी कि हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। दिस फ्लावर इज ऑफ पिंक कलर एंड दिस फ्लावर इज ऑल्सो पिंक, ठीक है। चलिए ये पिंक है, ये भी पिंक है, ठीक है। पनेट स्क्वायर बनाते हैं इसका, पनेट स्क्वायर जब बनाना स्टार्ट करेंगे फिर वही केस है जो आपने F2 मेंडल वाला बनाया था, वैसा ही आ जाता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो पनेट स्क्वायर में आपको क्या देखने को मिलता है, जीनो टाइप तो वही आएगा 1:1 का, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस फ्लावर इज व्हाइट। अच्छा ये मैजिक है या नहीं है, मैजिकल है या नहीं, थोड़ा सा सोचिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, बताइए कोई भी बच्चा मुझे आंसर कीजिए। मैं इसको क्यों, मैं सारे तीसरे कलर में है लेकिन अब वापस रेड और पिंक और व्हाइट में आ रहे तीनों। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक चीज सोचिए, ऐसे सोचिए मान लीजिए कि जो मैंने अभी ड्रॉइंग का एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, रेड कलर है, ठीक है। रेड में आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद आपने बनाया क्या, पिंक कलर बनाया, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम ना वापस मुझे इसमें से रेड वापस कर दो और व्हाइट वापस कर दो, आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत टफ टास्क हो जाएगा, टफ क्या, इम्पॉसिबल है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो नहीं कर सकते इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक मैजिकल चीज हो रही है, और ये क्या बनाया है आपने, F2 यहाँ पे बनाया है, क्या बनाया है आपने यहाँ पे, ये F2 जनरेशन बनाया है, और F2 जनरेशन में चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेड और व्हाइट वापस आ गए हैं। यानी ये जो पेरेंटल जहां से हमने शुरुआत करी थी रेड फ्लावर से व्हाइट फ्लावर से, कैसे मतलब सोचने वाली बात है कि ये वापस से अगले जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में आपको वापस करके दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो जीनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो उसको फटाफट लिख के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो केस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये तो खैर बॉक्स ही है इसका, और अब मैं यहाँ पे आपको नोट कर देती हूँ जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। ये आज काम ही नहीं कर रहा, चलिए यही लिख देती हूँ। पहले लिखिए जेनोटिपिक रेशियो, ठीक है, फिर लिखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देती हूँ फेनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या है,
बोलिए उधर से कितनी वैरायटी है, तीन वैरायटी है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, रेशियो स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल आर, ठीक है। वन रेशियो टू कितना है, वन है, ये कितना, हाँ ये कितना है, वन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वन टू वन का रेशियो आया। जब हम लोग इसके फेनोटिपिक रेशियो को देखते हैं, ये भी हैरानी की बात और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, ये भी वन टू वन आएगा। रेड फ्लावर कितना है, वन है, रेड फ्लावर कितना है, वन है, ठीक है। पिंक टू, पिंक फ्लावर कितने हैं, ठीक है, पिंक फ्लावर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये टू है, ठीक है। फिर जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, व्हाइट फ्लावर कितने हैं, मतलब रेशियो लिखा है हम लोग यहाँ पे, व्हाइट कितना है, वन है, ठीक है। Yes, तो एक हम लोगों ने कंक्लूजन बना लिया इससे। इससे क्या है, आपने कंक्लूजन यहाँ पे ये लिखना है, कंक्लूजन के तौर पे, कि कंक्लूजन क्या निकला इससे, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फेनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जेनोटिपिक रेशियो, या उल्टा करके लिखिए जीनोटाइप। हम लोग हमेशा, क्योंकि ये तो इंटरनल है ना, ये क्रोमोसोम पे बेस्ड है, और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल फीचर्स अपीयर होते हैं, तो आपने किताबों में मोस्टली देखा होगा पहले जीनोटाइप लिखा रहता है फिर फिनोटाइप लिखा रहता है, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, in the case of incomplete dominance, genotypic ratio is equal to, मतलब या फिर इसको language में लिख लीजिए, यहाँ पर पता नहीं चल रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा, genotypic ratio is equal to phenotypic ratio. समझ आया सबको? Yes, है ना? Phenotypic. अब क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले एक लाइन और लिख देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बताना। 10 क्वेश्चन बोलूंगी, बाद में लिख दूंगी असाइनमेंट क्वेश्चन में, बट अभी की अभी तो मैं सॉल्व करा ही देती हूँ आपको, एटलीस्ट इक्वल टू फेनो टिपिक रेशियो। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 में, ठीक है, पेरेंटल फीचर्स और पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑफ F1 आर रीऑब्जर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे जो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर से आपने कहानी स्टार्ट करी थी, ये दोबारा से देखे गए हैं। इस वजह से हम लोग, जैसे अब पहले मैं क्वेश्चंस बोलना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आंसर बोलूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको आंसर देना है इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज ऑब्जर्व, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्नैप ड्रैगन, एंटेरिनियम, हाँ एंटेरिनियम भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पेरेंटल फीचर्स बताइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर को लिया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखता है जब आप रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर की क्रॉसिंग कराने हैं। क्वेश्चन बनाने वाले कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, पिंक फ्लावर दिख रहा है आपको, ठीक है। देन आपसे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं, वहां पे पूछा जाता है एफ टू में जेनोटिपिक रेशियो बताइए, अलग से भी पूछा जा सकता है, वन टू वन अलग से आपसे पूछा जा सकता है, मेंशन द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ एफ टू ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, शायद हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी वन टू वन होगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ डोमिनेंस जेनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फेनोटिपिक रेशियो, आंसर बोलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और एट्थ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, एट्थ क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वाई द ब्लेंडिंग Why the observation of pink flowers? Why the question सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ? Why the observation of pink flowers during incomplete dominance is not referred as mixing or blending?
ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में, मैं हिंदी में बोल देती हूँ। आठवां क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि जब हम लोग पिंक फ्लावर ऑब्जर्व करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में, उसको हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं मानते हैं कि ये कोई मिक्सिंग और ब्लेंडिंग है। ठीक है, इसके आंसर में वही लिखना है जो मैंने पूछा था अरुणिमा, आपने जो आंसर दिया था कि दोबारा हम लोगों को यहाँ पे रेड और व्हाइट फ्लावर दिखने लगे हैं, तो आपको इसको करना क्या पड़ेगा, आप देखेंगे वो क्वेश्चन पूछ भी रहा है और तीन नंबर का दे भी रहा है, तो तीन नंबर इतनी आसानी से तो मिलता नहीं, और बहुत कम टाइम आपने नोटिस करा होगा, अभी जब मैंने आपको छोड़ा है कि आप इसको खुद से बनाइए बिना देखे हुए, आपने नोटिस करा होगा कुछ बच्चों ने तो दो मिनट में ही बोल दिया कि मैडम हो गया, टाइम कम लगता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में वो करने का बेनिफिट ये होता है टाइम भी कम लगता है, मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं। आपको पहले F1 F2 एज इट इज, मतलब कि ये पूरा पेज बनाइए पहले, ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा पेज बनाइए सेकंड वाला, ये F2 बनाने का जो है इस पेज को भी पूरा ड्रॉ कीजिए, पूरा बनाइए जो भी है, ठीक है। Yes. फिर आपको कंक्लूजन में, जैसे ये बात तो खैर है ही है कि जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फेनोटिपिक रेशियो, बट ये दूसरी बात है, यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रही हूँ, तो इस क्वेश्चन के आंसर में जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक स्टेटमेंट निकल के सामने आता है, दूसरे स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरे स्टेटमेंट में कौन सी बात यहाँ पे निकल के सामने आती है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग F2 क्या हो रहा है यहाँ पे, पेरेंटल फीचर्स ऑफ F1 आर रीऑब्जर्व्ड, री लगा दिया मतलब दोबारा से देखा जा रहा है, रीऑब्जर्व्ड दैट इज पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। क्लियर है, कुछ रटाया नहीं है मैंने, जो आपको दिख रहा है वही लिखा है मैंने, एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है, क्लियर है सबको, पिंक फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ठीक है, दैट इज पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। आगे जाके हम इसको कंप्लीट करते हैं, सो मैम पेरेंटल फीचर्स तो रेड और व्हाइट था ना, मैंने क्या लिख दिया, अच्छा पिंक लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट इसको ठीक करती हूँ, इसको मैं सही करती हूँ, रेड कीजिए यहाँ पे, सेकंड वाली लाइन में जो पिंक से स्टार्ट करना है ना वही याद आ गया मुझे, रेड फ्लावर यहाँ पे हो गया, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ पिंक फ्लावर्स, इसको क्या हो गया, सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ, या इस ठीक है चलिए रीऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन लिख ही दिया, सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ पिंक फ्लावर्स ड्यूरिंग इनकम्प्लीट एनसीईआरटी ने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन पूछ के छोड़ा है, देखिएगा ड्यूरिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट रेफर्ड एज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इज नॉट रेफर्ड एज मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपने दो चार चीजें मिर्च भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया, अदरक भी डाल दिया, सबको मिक्सी में डाल के आपने ग्राइंड कर दिया, उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग हम उसको नहीं बोलते, जबकि मिल रहा था पिंक फ्लावर बट हम वहां पे उसको नहीं बोलते, इज नॉट रेफर्ड एज मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे इस पेज में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, इस वजह से मैं बोलूंगी ये तो एटलीस्ट इधर वाला जो ये है पनेट स्क्वायर, इसको बिना देखे हुए बनाइए ये सब जो है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट फटाफट कॉपी कीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, इसको लिखिए, हो
हो जाए तो रिप्लाई कीजिए उधर से. अब आसान लग रहा है जेनेटिक्स चैप्टर, ठीक है? यस मैम. कितना इंटरेस्टिंग है इसमें. कोई चीज सबसे अच्छी जो बात है इस चैप्टर की ना, इसमें एक भी चीज रटनी नहीं है. नॉट अ सिंगल वर्ड, कुछ भी नहीं रटना है. साइंटिस्ट का नेम है तो वो प्रैक्टिस में आने की वजह से याद हो जाता है. जैसे मेंडल है, इसमें कुछ रटना वटना थोड़ी है. कुछ भी रटना नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, वो याद हो जाता है. यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है. और ये जो है ना, क्या नाम है इसका, मिराबिलिस जलापा, इसी को हिंदी में हम लोग चार बजिया पांच बजिया बोलते हैं, पता है आपको? फोर ओ क्लॉक प्लांट, इसी को बोलते हैं. और जिन्होंने इसको खोजा है, कोरेन साहब ने, मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, उन्होंने मतलब ऑब्जर्व इसी के अंदर पहले किया था, फिर दोबारा पता चला कि अच्छा स्नैप ड्रैगन में भी होता है. हो गया मैम. चलिए ठीक है, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब यहाँ पे फटाफट मैं जो एग्जांपल्स हैं वो लिख देती हूँ आपके. ये है, ये जो है एग्जांपल आपका ऊपर जो दिख रहा है, ये क्या है? स्नैप ड्रैगन. स्नैप ड्रैगन, इसी को एंटीरिनियम बोला. एंटीरिनियम की बहुत स्पीशीज आती है. एंटीरिनियम बोलते हैं इसको. और ये क्या है? मिराबिलिस. फोर ओ क्लॉक प्लांट इसी को बोलते हैं. मिराबिलिस जे ए एल ए पी ए, मिराबिलिस जलापा, ठीक है. अब एग्जांपल तो आपने पहले ही लिख लिया, फोटो बनाने तो मैं बोलूंगी, ठीक है? ये फोटो तो बनेगा, 3D है. चलिए आगे बढ़े. यस मैम. अब यहाँ पे बात आती है भाई, ढूंढा किन्होंने था. जब आप आगे बढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, वहां पे ना आपको बार 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 एक कोरेंस है, कार्ल कोरेंस, उनका नाम आपको कई बार सुनने को मिलेगा. कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज कट कट के आ रही है. खैर चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, नेटवर्क सही होगा तो आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट जो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और नाम वैसे भी अपने आप में 5-स्टार क्वेश्चन होता है, ठीक है. एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इट वाज जर्मन बॉटनिस्ट थे, इसने प्लांट पे काम किया था. कार्ल कोरेंस. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आपको इनका नाम सुनने को मिलेगा. हु वाज क्रेडिटेड वॉज, क्यों करें वो इज भी यहाँ पे लिख देते. चले नाम तो जिंदा रहता ही है ना. वो इज क्रेडिटेड विद द एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का चार्ट भी लगा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया है बच्चों के लिए, बिल्कुल आसान सा दिख रहा है। यहाँ पे रेड है, व्हाइट है, और होने से क्या हुआ है, यहाँ पे पिंक फ्लावर नजर आया है, और एक यहाँ पे तो खैर बनाया है ये पंडित स्क्वायर इन्होंने, एक देखिए नया स्टेटमेंट लिखा है इसने। मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो लिखने के कितने तरीके हैं। कह रहा है कि जब ऐसा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जब केस देखा जाता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हम लोगों को थर्ड फिनोटाइप देखने को मिलता है। लिखने कुछ भी लिखा जा सकता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, है ना। खैर आगे तो दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म ने भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। चलिए सफिशियंट। एक तो ये देखिए, और एक ये रहा, देखिए स्टेटमेंट क्या दे रहा है। यहाँ पे समझने के बाद चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। कह रहा है नीदर अलील इज डोमिनेंट, मतलब इसको शॉर्टेस्ट बोला जा सकता है, छोटा भी नहीं, छोटे का भी छोटा, समझ रहे हैं कैसे, मतलब स्टेटमेंट लिख रहा है। कह रहा है कि ना तो पेरेंटल में रेड वाला, ना पेरेंटल में व्हाइट वाला। कह रहा है कि नीदर अलील इज डोमिनेंट, मतलब दोनों में से कोई डोमिनेंट है ही नहीं। जो मैंने बोला ना कि एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज ऑब्जर्व, ठीक है, उसको ये दूसरी भाषा में बोल रहा है, नीदर अलील इज डोमिनेंट, मतलब इसको दूसरे मतलब स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज हेटरोजाइगस फॉर अ ट्रेट इट विल शो अ थर्ड फिनोटाइप। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ये तो दिख ही रहा है आपको यहाँ पे। ये अगर मैं बात करूं तो अभी जो आपने बनाया है, तो हम तो सिर्फ रेड व्हाइट लेके चले थे, पिंक तो था ही नहीं पेरेंटल जनरेशन में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको एक थर्ड फिनोटाइप दिखा के दे रहा है। वही स्टेटमेंट ये यहाँ पे आपको दे रहा है कि एक थर्ड फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। द थर्ड फिनोटाइप इज अ ब्लेंड ऑफ द अदर टू, और सच में सच्चाई ये फैक्ट है, रेड और व्हाइट के बीच का कलर कोई आपसे पूछे तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा ब्लू या ग्रीन नहीं बोलेगा, सबको पता है कि पिंक होता है उसके बीच का इंटरमीडिएट कलर, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, इन दिस एग्जाम्पल द लेटर ए रिप्रेजेंट्स द जीन, यहाँ पे बता रहा है ये कि हम बता रहे हैं कि ए जीन जो है उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। आर एंड वाई रिप्रेजेंट द डिफरेंट एलील्स, और यहाँ पे आर और वाई को क्या कर रहा है, मतलब ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेके आपके सामने आ रहा है, बात वही है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये रेड वाले को मान रहा है और यहाँ पे येलो मान रहा है, तो उसके बीच का ये मतलब ब्राउन और येलो जो भी है ऑरेंज कलर लेके आ रहा है, तो क्या एक आर इधर का लेके आ गया, एक वाई इधर का। हालांकि जब हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिप्रेजेंटेशन इसलिए सही नहीं माना जाएगा यहाँ पे इसको, या हो सकता है इसके लिए स्मॉल वाई यही होगा, इसको स्मॉल लेटर में यहाँ पे देना चाहिए था, बट मुझे यहाँ पे देखने से नहीं लग रहा, ठीक है कोई बात नहीं, समझ आ रही है आपको बात। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने सिखाया ही शुरू से, तो मैं यही बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे एक रेड फ्लावर को जब आप व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराते हैं, तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल इंटरमीडिएट तीसरे टाइप का जो कैरेक्टर है, तीसरे टाइप का बोलने का क्या मतलब है भाई, पेरेंटल है, फादर होगा या मदर होगी, ठीक है, दो ही फीचर होंगे ना, तीसरा तो यहाँ पे जो निकल के सामने आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि
इसके केस में हम लोगों को तीसरा जो कैरेक्टर है वो निकल के सामने दिखाई दे रहा है, और जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, और यहाँ पे एक अलग टाइप आपको क्या देखने को मिलता है, फीचर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चले, हम आगे चले। इसको नोट करना है, ब्लेंड यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर तो लिखे हैं कि इसको मिक्सिंग और ब्लेंडिंग रेफर नहीं करते। फिर से बोलिए अरुणिमा, फिर से। मैम जैसे कि ऊपर कंक्लूजन में लिखा हुआ था ना कि हम लोग कभी भी इसको मिक्सिंग या ब्लेंडिंग रेफर नहीं करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर ये ब्लेंड वर्ड यूज किए तो वो यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? द थर्ड फिनोटाइप नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा है ब्लेंडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसे ऐसे एग्जाम्पलर क्वेश्चन लिख के छोड़ा हुआ है, मुझे याद है थोड़ा बहुत जो भी उसने लिख के छोड़ा हुआ, और एग्जाम आइडिया में भी ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है उठा के रखा हुआ, और क्वेश्चंस में तो खैर ही है नीट में। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये नोट कर लीजिए, मैं तभी यहाँ पे एक मिनट रुकी हुई, ये सारे स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए कॉपी में, आपको दो ही मिनट लगेगा इसमें। चलिए एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, जब तक आप लोग ऊपर नोट करना है। हो गया, एक और इसका, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल इसका एग प्लांट का आता है। एक लाइन लिख लीजिए, लिखने में क्या जाता है, बुक में नहीं है बट मैंने देखा है क्वेश्चन पूछे हुए तो हम लोग लिख लेते हैं। द फ्लावर की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, द फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट्स is another, मैं दिखा देती हूँ आपको, is another example of incomplete dominance। इसको crop improvement में भी use किया जाता है आजकल, incomplete dominance मतलब लोगों ने पता लगा लिया कि अच्छा अगर हम ऐसी ऐसी क्रॉसिंग करें तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिल सकता है, तो जिसकी वजह से क्या करने लगे, इसको क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज करने लगे। क्या होता है इसमें, होता ये है कि कंबाइनिंग डीप पर्पल combining deep purple eggplants with white, किसको किसको क्रॉस कर रहे हैं इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीप पर्पल को और व्हाइट को, विद व्हाइट एग प्लांट्स रिजल्ट्स इन इन एग प्लांट्स ऑफ इन
प्लांट्स ऑफ और लाइट वायलेट कलर बीच का हो जाता है कलर, लाइट वायलेट देखा भी होगा मार्केट में आपने, वायलेट कलर और इसका सिग्निफिकेंस अगर कोई आपसे पूछ ले, हालांकि उसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी मैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं शो कर देती हूँ आपको। हो गया मैम। किसको बोलते हैं एग, एग प्लांट किसको बोलते हैं, एग प्लांट किसको हो गया? नहीं पता है। किसको बोलते हैं? बैंगन को बोलते हैं एग प्लांट, ठीक है। जो छोटे बच्चे नर्सरी राइम्स देखते हैं ना, उसमें ए फॉर ये, बी फॉर जो बताते हैं वो, तो उसमें लिखा रहता है, मैंने देखा है एक वीडियो में, बच्चा देख रहा था घर में, तो ई फॉर एग प्लांट दिखाएंगे, उसमें वो बैंगन दिखाते हैं, तो वो जो ब्रिंजल है उसके लिए यहाँ पे एग प्लांट टर्म जो है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ही लिखा हुआ, एग प्लांट, बट यहाँ पे फ्रूट के रेस्पेक्ट में बोल रहा है उसको। तो लाइट पर्पल आपने देखा होगा ना मार्केट में, देखिए, अच्छा ये सब कलर दिखता है आपको, डार्क वाला भी दिखता है, व्हाइट भी दिखता है, लाइट पर्पल भी दिखता है, दिखता है ना? यस मैम। दिखा होगा आपने, नोटिस करा होगा, भाई घर में आता ही है तो नोटिस तो करा ही होगा आपने, है ना, बहुत सारी वैरायटीज की भी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम टू करके कुछ दिया है, एग प्लांट फ्रूट कलर मे बी डार्क पर्पल वायलेट और व्हाइट, क्रॉसेस बिटवीन पर्पल एंड व्हाइट एग प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस वायलेट एग प्लांट प्रोजेनी, हाउएवर इन क्रॉसिंग ऑफ दीज वायलेट एग प्लांट्स गिव्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी 110, ये रेशियो बता रहा है यहाँ पे, जेनेटिक बेसिस ऑफ फ्रूट कलर्स इन एग प्लांट्स, तो यहाँ पे बताना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए ये रहा, बट वैसा कुछ बना के बता तो रहा नहीं है कि मैं लगा दूं वहां पे, शो कर दिया मैंने वहां पे आपको, है ना, ये तो वही है, ये देखिए ये एनसीईआरटी वाला ही है, एज इट इज पेज जो है, इधर वाला तो वही प्रिंटेड है जो एनसीईआरटी का है ना, फोटो दूसरी लगी हुई है बस, तो वही सब है, ये सब कुछ आप देखिए, 4 o'clock प्लांट जो लिखा है ना, 4 o'clock फ्लावर, यही मिराबिलिस है, देखिए एग प्लांट कलर लिखा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक टेशेस डिजीजेस के बारे में दे रहा है, मतलब बहुत जगह पे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं इसके, सब कुछ आपको दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनिमल्स के अंदर भी दे रहा है, कुल मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अच्छा हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मतलब होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, बस यही समझना है आपको, इसके आगे कोई वैसी चीज नहीं है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक दिन मैंने इसको कोशिश करी थी समझाने की, तो दिन ये हैंग कर गया था, काम नहीं कर रहा था, ये पेज जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे पहली चीज लिखने वाली थी, आप लोगों को भी मैंने बोला था कि आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी के मार्जिन में कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग या शुरुआत किस चीज की करी थी, जेनेटिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे निकल के सामने आती है, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल ही है, क्योंकि लॉ देना बहुत बड़ी बात होती है, थ्योरी है आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहे हैं, कोई काट भी सकता है कल को जाकर, लेकिन अगर कोई लॉ प्रपोज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको कहीं पे कोई काट नहीं सकता है, तो मेंडल साहब ने क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रपोज किया था, इसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल, मैं यहाँ पे इस पैरा में आपको शो कर देती हूँ, मेंडल यूज्ड द टर्म, क्वेश्चन भी दिया था शायद मैंने इससे आपको, द टर्म फैक्टर्स फॉर
जीन्स जो फैक्टर्स लिखा है कैपिटल से, तो इसको भी कैपिटल से ही कर देती हूँ, फैक्टर्स फॉर जीन्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे रही आपका, यहीं से मैं स्टार्ट कराती हूँ हमेशा, बस आपको दिखना चाहिए। ये देखिए, आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि कैसे चल रही है सारी चीजें, जो फीचर्स हैं वो आपके पेरेंट्स के फीचर आपके बॉडी में कैसे नजर आ रहे हैं, सब क्या रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे फिनोटाइप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंडल बहुत पहले ही इनके डेथ के बाद इनके काम को रीडिस्कवर किया गया है, याद रखिएगा। तो ये क्या बोलते थे, फैक्टर्स बोलते थे, बोले कुछ है फैक्टर जैसा कुछ है। अब जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कौन सा फैक्टर काम करता है, तो हो सकता है इस वजह से ये क्या करते होंगे, फैक्टर फैक्टर टर्म का यूज करते होंगे। ठीक है, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, इसकी वजह से नेक्स्ट पेज पे आप इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखेंगे वॉटसन एंड क्रिक की फोटो लगी हुई है, क्योंकि जेनेटिक मटीरियल जो है ना, अच्छा जैसे इंग्लिश बोलने के लिए आप लोग ABCD की पढ़ाई करते हैं ना, वैसे ही इस पूरे जेनेटिक्स में अगर कुछ अल्फाबेट है ना, तो वो है जेनेटिक मटेरियल को समझना, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं जीन समझा रही हूँ, अलील समझा रही हूँ, क्या है सब कुछ आप जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, फेनोटाइप क्या है, कैसे मतलब इनका कन्वर्जन वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द इंटायर बॉडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वॉज अ कंसिक्वेंट डेवलपमेंट विद मेजर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम, आ गया फिर से देखिए यहाँ पे कितने नाम हैं, आप इस पूरे यूनिट में सुनेंगे, फटाफट देखे जाइए। वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA को बताने के लिए, नायरनबर्ग है, खुराना है, पहला पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाने वाले भारतीय हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कॉर्नबर्ग का यहाँ पे नाम लिखा है, सबका रोल हम लोग देखेंगे किसने क्या किया था, फादर और सन, जैसे कैसे डार्विन है। ठीक है, फादर का भी नाम डार्विन था, बेटे का भी नाम डार्विन था। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा आगे नेम चेंज करते चाहते हैं, बेंजर है, मोनर्ड है, ब्रेनर्ड है, इन सब का नाम आपको यहाँ पे आगे चैप्टर में। इसका मतलब है कि अगर आपने इसमें से एक का भी रोल छोड़ा तो आप फिर फंस गए। ऐसे बोलते हैं कि जब नीट की तैयारी होती है तो ऐसे आपको हर एक वर्ड से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आपको पता ही होगा जितना यहाँ पे लिखा है उससे मच बेटर मैं डिटेल करके और उससे कई गुना ज्यादा मैं बता के दूंगी आपको। पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, देखिए किसको लपेट लिया इसने, आप ही की किताब के चैप्टर 7 को भी घुसा लिया इसने। कह रहा है कि पता चला कि अच्छा जो जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, कहाँ चेंज हो रहा था, जीन्स में चेंज हो रहे थे ना, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। अवेयरनेस इन द एरियाज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब अब बायोलॉजी में कंप्यूटर के यूज के बिना आप कुछ भी नहीं सोच सकते, उतना सारा जो प्रॉब्लम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताऊंगी आपको आगे जाके। ठीक हैव एनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इन दिस यूनिट, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA एंड द स्टोरी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड एक्सप्लेन्ड। अब देखिए छोटा सा रेफर करके मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, आपकी बॉडी है ना, एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के लिए अगर आपको सोचना है कि आपके सारे जीनोम के अंदर जितने भी नाइट्रोजिनस बेसिस बैठे हुए हैं सबको आप किताब में छापना स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ एक बंदे के ऊपर 3,500 किताबों की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक बंदे से पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए वॉटसन एंड क्रिक का नाम आ रहा है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता हर जगह, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कैसे हम लोग किसी चीज के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं तो आगे की सारी गुत्थी अपने आप खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, क्योंकि चैप्टर 5 में, चैप्टर 6, चैप्टर 11, चैप्टर 12, जहां जहां पे आप पढ़ाई करेंगे, जहां जहां पे आप सीखेंगे, इनका नाम आएगा ही आएगा, ये कहीं नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1953 में इन्होंने क्या किया था, बताया था कि DNA का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है DNA का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, डबल हेलिकल, जैसे गोल चक्कर वाली वो सीढ़ी होती है ना, तो वैसा ही ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे कैसे केमिस्ट्री में बेंजीन है, पहले लोग उसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, फॉर्मूला पता था कि C6H6 होता है,
लेकिन वो क्या कर रहे थे, उसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बनता ही नहीं था लोगों से, बात ही नहीं समझ आती थी, सोचते थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक ने कुछ गलत लिख दिया या फॉर्मूला गलत है। लेकिन जैसे ही दिमाग में आया कि अच्छा हम क्या करते हैं, इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, बट बात तब जाके क्या मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, तब वो सारी गुत्थी वहां पे खुल गई। ये देखिए ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जब भी इसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो डीएनए जो है ये ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको बायोमोलिक्यूल्स, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। इतना सिर्फ बताने के लिए, पहले स्ट्रक्चर तो बताए कोई कि कैसा होता है, उसके बाद ही तो हम लोग समझेंगे ना क्या लिखना है, कैसे लिखना है, नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं। ये देखिए चार ही है, चारों का नाम लिख दिया है, शुगर फॉस्फेट का यहाँ पे बैकबोन बना हुआ है। तो ये सब बताने के लिए, ये सब क्या करने के लिए, बताने के लिए इनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। द ऑनर्स टू वॉटसन एंड क्रिक इंक्लूड द जॉन कोलिन्स वॉरेन प्राइज ऑफ द मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959, द लेस्कर अवार्ड इन 1960, द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज। यहाँ से क्वेश्चन एम्स उठाता था, जब वो अलग एग्जाम लेता था ना अपने, जानबूझ के उसने क्या किया, ऐसे ऐसे नाम डाल दिए, बच्चा भी घूमने लगेगा वहां पे, पता नहीं ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं एनसीईआरटी ने, पता नहीं किधर से क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो यहाँ पे इसको ये क्या कर रहा है, अलग अलग इतने सारे अवार्ड जो इनको दिए गए हैं, जैसे द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन 1962, द अबव ऑल द नोबेल प्राइज इन 1962, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के लिए इतना सारा अवार्ड इनको दिया गया था, हक बनता भी था, क्योंकि पहले इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता था लोगों को, तो वो क्या पता करते। अभी जैसे मैं ऐसे ऐसे बना के ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि हाँ भाई देखो यहाँ पे एक अलील है और इस पे एक अलील है, समझा पा रही हूँ मैं कैसे, मुझे इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता तो मैं हवा में क्या बताती। आप भी ऐसे सोच के समझ के देखिए, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखती हूँ, यहाँ तक किया है आज आप लोगों ने, एक और यहाँ से प्लस हो गए। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन के आंसर आठ तो मैंने उसी टाइम बोल दिए थे, और जो भी एक दो है वो आप लोग कर ही लेंगे अभी। ये आज ऐसे नीचे नीचे क्यों जा रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए एक क्वेश्चन मैंने उस टाइम आपको नहीं बोला था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर करने का काम किसने किया था, मैंने उस टाइम तक बताया नहीं था। वो सारे क्वेश्चंस हैं, आपको भी पता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन अगर आप करते हैं और जितना किया है उसको अगर याद, मैंने कभी भी आज तक आपको इस पर्पस से दिमाग में सोच के दिया ही नहीं है कि कोई भी बच्चा देख के असाइनमेंट क्वेश्चन करे, उसमें आप कोई तीर मारने वाला काम नहीं कर रहे। हाँ याद करके आपको बिना देखे हुए करने के लिए 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, नहीं तो पूरा एग्जाम आइडिया लाइब्रेरी भर लीजिए अपनी, सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर दुनिया भर के पब्लिकेशंस को उठा के ले आइए, अपनी एक लाइब्रेरी बना लीजिए घर में, क्या फायदा उसका। आपको मैं याद करके करने को देती हूँ, ठीक है। तो यही सोच के आपको दिमाग में करना है, हु डिस्कवर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए क्या लिखेंगे आंसर इसका, कार्ल कॉरन आंसर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। व्हाई द केस ऑफ, नहीं ऐसे कर देती हूँ, व्हाई द रीऑब्जर्वेशन ऑफ रीऑब्जर्वेशन
why the reobservation of pink flowers, reobservation of pink flowers in the case of incomplete dominance is not referred as mixing or blending. ठीक है, पता है आपको कैसे लिखना है इसका क्वेश्चन का आंसर? मैंने पहले ही सिखा दिया आपको लिखने के बाद, और जो कंक्लूजन था इसका वो भी मैंने लिखा हुआ वहां पे, उसी तरीके से आपको उसको करना है. थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए. Who got Nobel Prize? For proposing double helical structure of, ये मैंने बायोमोलिकुल्स में भी दिया था, याद है किसी बच्चे को? यस मैम. व्हाट इज प्रपोजिंग? हाँ हाँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. चलिए ये हो गया. फोर्थ क्वेश्चन लिखिए. Which type of dominance results in equal genotypic and phenotypic ratio? आंसर पता है आपको? Incomplete dominance. हाँ ठीक, चलिए ये हो गई. फिफ्थ लिखिए. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ incomplete dominance. ठीक है, next लिखिए. name the, ये तो day one ही देना चाहिए था मुझे. name the father of जेनेटिक्स. मेंडल साहब है. सेवेंथ लिखिए. रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन incomplete dominance. ठीक है, एट्थ क्वेश्चन लिखिए. मेंशन द जेनोटिपिक and phenotypic
रेशियो ऑफ एफ टू ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कोई चीज. हाँ, एक और चीज. विच टाइप ऑफ डोमिनेंस, वही बात है, घूम फिर के पूछ रही हूँ. विच टाइप ऑफ पोजेस एंड इंटरमीडिएट, ऐसा भी पूछा जा सकता है, और स्लैश डाल के कर देती हूँ. एंड इंटरमीडिएट और थर्ड फेनोटिपिक कैरेक्टर, वही हो जाएगा आंसर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. चलिए आखिरी क्वेश्चन लिखिए. हाउ एग प्लांट पोजेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बता दीजिएगा. ठीक है, कि एक क्या होता है वहां पे, डार्क पर्पल होता है, एक व्हाइट होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हाउ एग प्लांट पोजेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, चलिए इसमें से कोई डाउट किसी को? क्लियर है सारे पेजेस? इतना ही कराया है मैंने आपको आज की क्लास में. ये रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. ये दोनों एग्जाम्पल याद हो चुके हैं आपको, केसेस याद हो चुके हैं आपको. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? मैम क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए मैम लास्ट क्वेश्चन कैसे, लास्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है ये देखिए. देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बात, हाँ ये बात समझानी है कि आप एक डीप पर्पल एक प्लांट ले रहे हैं, मतलब जो बैंगन आता है आपके घर में, एक होता है ना एकदम बिल्कुल डार्क पर्पल होगा, ठीक है, उसकी क्रॉसिंग जब आप व्हाइट व्हाइट कलर वाले के साथ कराते हैं, ठीक है, तो लाइट वायलेट कलर आपको देखने को मिलता है. बस यही लिखना है इसमें, तो प्रूफ हो गया कि ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बस ये वाली लाइन लिख देनी है और कुछ नहीं, चाहे दोनों लिख सकते हैं. द फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. व्हाई? बिकॉज़ व्हेन वी कंबाइन डीप पर्पल एग प्लांट विद व्हाइट एग प्लांट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट वायलेट कलर्ड एग प्लांट. अब ठीक है, यही लिखना है. थैंक यू मैम. लिखना है इसमें. चलिए वेलकम, लीव करूं मैं? थैंक यू मैम. चलिए थैंक यू मैम.